हेलो। तो गाइस क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार आज की वीडियो कोई गेम प्ले नहीं होगा, आज की वीडियो कोई मोंटाज वीडियो नहीं, आज की वीडियो जस्ट डिस्कशन होगी। और वो ये है कि जितनी पाकिस्तानी पबजी प्लेयर हैं, सारे पाकिस्तानी पबजी कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, सबके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि पाकिस्तान में पबजी टेम्परेली बैन हो चुकी है। और जिन लोगों को नहीं पता कि क्यों हुई है, तो इसकी मेन रीज़न यही कहा जा रहा है कि लाहौर में आज से कुछ दिन पहले दो सुसाइड हुए थे। वेल लेकिन उनका तो यार कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने सुसाइड किया वो मेंटली इतने वीक होंगे कि उन्होंने गेम को इतना अपने ऊपर काबू करने दिया था। यार इसमें उनकी पेरेंट्स की गलती है, इसमें उनकी गलती है कि उन्होंने एक गेम को मतलब लाइफ एंड डेथ इशू बना लिया था। तो इस पर तो यार गेम को बैन नहीं होना चाहिए। अब रोज़मर्रा में ज़िंदगी में इतनी डेथ्स होती हैं, इतने ज़्यादा हादसे होते हैं, लेकिन यार इसको एक मेन रीज़न तो नहीं बनाना चाहिए था। अब यार रोज़ इतनी डेथ्स होती हैं, इतने सुसाइड्स होते हैं, इतने ज़्यादा और मसले होते हैं। अब जैसे कि हम देखें तंबाकू को, तंबाकू शॉप्स वही तंबाकू से तो इतनी ज़्यादा डेथ्स होती हैं, लेकिन आज तक कोई इनको तो बैन नहीं कर पाया। तो भाई ये गेम के पीछे पड़ गए, बल्कि ये गेम तो लोगों को मौका दे रही है, ये मतलब कि टीनेजर्स को मौका दे रही है कि वो आगे आएँ, अपनी कंट्री का नाम रोशन करें। अब लेट्स सपोज कि अगर कोई पाकिस्तान की कोई टीम जाती है आउट ऑफ कंट्री खेलने के लिए, तो वो अपने लिए तो नहीं जाती ना, वो जाती है कि हमारी कंट्री का नाम है, मतलब कि पाकिस्तान का नाम आ गया है। पबजी ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम आगे लाने के लिए, बल्कि जो लोग जो यंग लड़के हैं वो पबजी से इनकम भी कमा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। अब लोगों को दो दो साल हो चुके हैं पबजी खेलते, वो अपने गेम प्लेस इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो आगे आएँ, वो भी चाहते हैं कि वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्ट लें, वो भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री का नाम आगे है। यार पीटीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो चुकी है। वेल लेकिन पीटीआई ने इसके साथ साथ आपको एक वेबसाइट भी दी है जहाँ पे हम जाके अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लिखो कि अनबैन करो पबजी को, और एक स्लोगन यानी कि पबजी अनबैन को एक स्लोगन को वायरल करो। जितनी भी आपके मल्टीमीडिया साइट्स हैं, जितने भी आपके मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे जाके ये स्लोगन को वायरल करो कि पाकिस्तान में पबजी को अनबैन करना चाहिए, हैशटैग पबजी अनबैन इन पाकिस्तान। क्योंकि यार अभी पबजी की हीरिंग होगी जो कि 9 जुलाई को होगी, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, पबजी को अनबैन करने के लिए स्लोगन को मांगे लेके आए, हम इसको वायरल करें। क्योंकि यार पबजी सिर्फ एक गेम नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आगे आना चाहते हैं, वो अपनी कंट्री का नाम रोशन करना चाहते हैं, और पाकिस्तान में गेमिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग चांसेस बढ़ें, ताकि पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स को वर्ल्ड वाइड जाना जाए। यार मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी गेम किस सेंस पे बैन हुई है। तो आपकी गेम इस सेंस पे बैन हुई है, पीटीआई ने आपके सर्वर्स के ऊपर टेक ओवर कर लिया है कि आप किसी भी गेम के अंदर ज्वाइन नहीं, मतलब किसी भी मैच के अंदर आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यार हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वेबसाइट पर जाके अपने ओपिनियंस दें और पबजी को अनबैन करने का स्लोगन वायरल करें। तो जैसे मुझे इस इशू के ऊपर कोई भी नई अपडेट मिलती है, तो मैं आपको अपने चैनल में वीडियो के जरिए ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर।